बाबा के वर्ष से होनी कॉन्ट्रास्ट है, होनी होके रहती है। जो कुछ भी हुआ बाबा बदनाम हो गया। बाबा ने हीरा मंडी में आके डेरा लगाया। क्यों? मैं इस पे जसारत नहीं कर सकता। ख्याल गुजरता है कि जब उन्होंने चादरें देने का अमल शुरू किया, उन्हें शायद पता चला कि अगर एक शरीफजादी को शरीफजादों के बीच चादर देने की कीमत इतनी बड़ी है तो इनका कौन वाली वारिस है। उसका एक नाम वारिस भी है। अब काकी कौन होती है ये अगर समझ आ जाए तो बोला नहीं जाता। उसके कई नाम हैं। हीरा मंडी आके दमाले काकी दमाल लगा। एक गाली देते थे रंग यादे माजरत के साथ, रंग दुनिया को कहते। लोग आना शुरू हो गए। लोग तो तमाशबीन थे, लोग तो मुजरा देखने आते थे, लोग तमाशा देखने आते थे। साथ अचानक बाबा को पता नहीं कहां से किसी को काला यरकान, किसी को पीला कोई शराब। रंग यादे इसके पाँव को देख, शिफा हो जाएगी। अब देखने वाला हैरान है, वो मुजरा देखने आया है। शहर का याश या बदमाश आदमी है, वहां वही लोग जाते हैं गरीबों की हीरा मंडी, और मजबूरी नाचती है। शिफा कैसे हो सकती है काकी के पौ देख के? अजीब मंतर की कंजरों ने ठट्ठा उठाया, मुफ्तियां ने फतवे दिए। सबका अपना अपना जर्फ है, जिसके पास जो था उसने दिया। अचानक पासा पलटा और बाबे ने साथ म्यूजिक, ये सुनो आंखें बंद कर सुन, आंखें खोल दे। लोग शिफाया हो जाए। धमाल में भी वो काकी को अचानक पकड़ ले, आंखें खोल दे, आंखों खोल दे, आंखों खोल दो। ये कहानी वहीं से शुरू हुई। आने वाले को अचानक कह देते थे जो मुजरा देखने आता था, काका बाबा अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। वो आगे से चर्च के सूटे या शराब के धुएं उनके मुंह पे छोड़ता, बाबा पीस पेश कर, बाबा पीस पीस कर देता। लेकिन ये क्या था? अयाश या पागल दीवाना कुछ मजू? क्या हिकमत थी? आज इतने पढ़े लिखे लोग हर तबके के बाबा बाबा कहते हैं, हर एक का दावा है कि बाबा मेरा है, और जितना मैं उसका हूं कोई किसी का नहीं है, बाबा बस मेरा है। क्या दे गया इनको, क्या दे गया? हीरा मंडी के साथ फिल्म स्टूडियोज, और फिल्म स्टूडियोज में जाना शुरू कर दिया, और फिर रॉयल पार्क। शोबिज क्लास के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, शायद उनमें से कुछ लोग मिले हों। कुछ ने प्यार किया, कुछ ने लड़ाई। एक वक्त आया बाबे ने कहा, बाबे ने रॉयल पार्क में झाड़ू फेर दिया। अब फिर अल्लाह के लिए बनेगी, दिल दिल पाकिस्तान बनाएगा। क्या आखिर के वर्ग है 2001-2003 के? हमें बात समझ ना आई। अल्लाह के लिए भी बला फिल्म बनती है, और दिल दिल पाकिस्तान। जुनेद जमशेद अच्छा तबलीगी जमात, पता नहीं बाबा जी कह रहे हैं तबलीगी जमात अच्छा है, पता नहीं क्या मतलब है। कहते हैं फकीर की रंग नहीं समझी जा सकती और वो अपना राज नहीं देता। कि सबसे बड़ा राज होता क्या है? कौन सा राज होता है जो ये नहीं है?